हमने जाना है उस पहाड़ पे। तो दोस्तों यहाँ पर लेजगिरी गिर चुके थे, वहाँ एक लास्ट पहाड़ी दिख रही होगी, वहाँ से हमने पैदल ट्रैक किया है। तो दोस्तों हमने जाना है इस यहाँ पे स्टॉप में मनसा देवी मंदिर में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो काफी दूर है, अभी हमको यहाँ से रास्ता लेना पड़ेगा इस पहाड़ से, यहाँ से ऐसे करके पूरा नीचे इस पहाड़ से जाके ऐसे और टॉप में जाना है हमको। तो दोस्तों पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम सुखदेवी मंदिर गए और अब हम वहीं से अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम जाएंगे मनसा देवी मंदिर, जो कि उस साइड को है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से काफ़ी दूर है और बहुत ही दुर्गम क्षेत्र की ओर हमें चढ़ाई करनी है। तो यहाँ से रास्ता है और हम सब लोग आज पहली बार ही जा रहे हैं वहाँ पे, तो नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं चढ़ाई में चढ़ते हुए, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, बाकी माँ मनसा देवी के मंदिर को जा रहे हैं। काफी खड़ी चढ़ाई है, काफी खड़ी चढ़ाई है, जैसे कि देख सकते हैं आप, या तो एशिवल एशिवल मिल ही जाते हैं। हम चल रहे हैं ऊपर को, तो दोस्तों पहाड़ों में ट्रैक करने का एक अलग ही मज़ा है, ऐसे पहाड़ों पे चढ़ना और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इनकी कुछ और ही बात है, और इसके बाद जब मंजिल मिलती है ना तो उसका मज़ा कुछ और ही होता है। तो इस ट्रैक में हमने बहुत सारा स्ट्रगल किया लेकिन मज़ा तो बहुत आया। होने को हम चार लोग थे और इतनी दूर से हम ट्रैक किया था, और बजाय इसके कि हमें रास्ता भी पता नहीं था लेकिन हमने फिर भी पूरा ट्रैक किया। तो आप देख सकते हैं हम कैसे कैसे पहाड़ों पे गए और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ को देखने को मिलते हैं, बाकी खाई भी दूर नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पर लेजगिरी गिर चुके थे लेकिन इनके हाथ से चंबल गिर गया, गिर गया। रास्ता काफी दूर गए, देखिए ये हाथ नीचे चले गए, काफी नीचे गिरते गिरते देखिए अभी यहाँ से ये भी आ रहे हैं, इनका पता नहीं कैसा मार्ग होता है। ये काफी ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो देखिए हम काफी ऊपर आ चुके हैं, नीचे पूरी खाई है और अभी हमको जाना है यहाँ से उस पहाड़ पे, देखिए यहाँ पर लेजगिरी। तो कैसा लगा आपको गिनने की बात? अब ये नाच रहे हैं, मंदिर तो उसको दूरी में छू, जैसा हमने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों जैसा हमने स्टार्ट किया था सुखा देवी से, अभी भी ये वैसी उतना ही दूर लग रहा है हमको, काफी दूर है, देखिए यहाँ से हमने जाना है उस पहाड़ पे, हमें जाना है इस पहाड़ पे। तो देखिए अभी हम चल रहे हैं, ऐसे रखो ऐसे रखो,
भाई फंस रहे हैं यहाँ पे, बुलता रहो, जहाँ से शुरू कराता वही है अभी। अरे कोई वो है कपड़ा टाइप से, इसे ऐसे बात देता हूँ, खबर नहीं ना मार्क्सूँ। घर आमजे बबुले उकुला दो ना तो। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं, देखिए नीचे खाई है। मी का चैनल आया रे पहना। अरे मी की चैनल आया आज। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं नीचे, काफी ऊपर, देखिए हम ऊपर से आ रहे हैं इस साइड से, पूरा नीचे चढ़ गया डाउन में, कोई रास्ता नहीं था, हमने ऐसी पत्थरों से और झोम से नीचे चढ़ के हुए आ रहे हैं, और हमको काफ़ी दूर जाना है अभी, ऐसी कई दुर्गम रास्ते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं नीचे, देखिए ये जाना है हमको यहाँ से, इससे पूरा नीचे करके वहाँ उस साइड पूरा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं आप, धूप भी बहुत तेज हो रखी है, हम ऊपर पहाड़ से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं हम, इस वाले पहाड़ से, वहाँ से इस साइड, फिर यहाँ से नीचे आ रहे हैं, बहुत दूर है, जबकि कैमरे उतना अंदाजा नहीं आएगा आपको। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं खड़ी चढ़ाई में, देखिए यहाँ पर तीन लोग और पास आए हैं वो, देखिए काफ़ी दूर से आ रहे हैं पहाड़ चढ़ते चढ़ते हुए, कैमरे में आपको थोड़ा नज़दीक लग रहा होगा लेकिन बहुत दूर है ये, अभी बहुत ऊपर जाना है हमने, काफ़ी लंबी चढ़ाई ऊपर तक पूरी खड़ी। तो दोस्तों सुखदेवी से लगभग 2 घंटा पैदल चलने के बाद, बहुत ही हमें एक तो रास्ता बतानी था तो बहुत ही ज़्यादा भटकते हुए आए हम लोग, और भाई इतना थक गए हैं कि क्या अभी हम एक पेड़ के इधर बैठे हुए हैं, थोड़ा यहाँ बाज के पेड़ हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ये बताया नहीं जा सकता कैसे आए, बाकी आपको वहाँ एक लास्ट पहाड़ी दिख रही होगी, वहाँ से हमने पैदल ट्रैक किया है, अभी ये पहाड़ी इधर पेड़ है तो इधर दिखेगा नहीं, तो इसके ऊपर है वहाँ तक हमें जाना है, बाकी इधर अभी थोड़ा हमारा रिफ्रेशमेंट चल रहा है, थोड़ा पानी वगैरह जो भी था हमारे पास, तो मिलते हैं आपको ऊपर जाके सीधे। और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, अभी भी आधा घंटा लगेगा हमको पहुंचने में, अभी पहुंचे नहीं हम। कैसा लग रहा है गौरव भाई? जो चढ़ाई थी वो तो आप समझ लगते हो, इतना टाइम हो गया है, सुबह के 10 बजे से निकले हैं हम,
आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी? दोस्तों काफी जहाज चढ़ाई, हम रास्ता नहीं मिला, रास्ते हम ऐसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते रास्ता आ रहे हैं, हमको रास्ता नहीं दिखाई, तो हम ऐसे चढ़ते चढ़ते हैं, इतना थक डाउन है। अभी हम कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं, पानी पी के हम चलेंगे। अभी हमको जहाज ने थोड़ा सा नजदीकी बताया, आधा घंटे का ट्रैक और मुश्किल से होगा मेरे ख्याल से, जहाज नहीं बताया है। तो मिलते हैं आपको उसके मंदिर में। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी मंदिर। तो यहां पहुंच के काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी, बस वो कुछ सीढ़ियां और चढ़नी हैं, ज़्यादा और कुछ नहीं बचा है। तो हम पहुंच चुके हैं, देखिए ये मंदिर की सीढ़ियां हैं, यहां से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी। तो अभी यहां से ट्रैक, यहां की जो सीढ़ियां हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, और अब देखते हैं ऊपर कितनी दूर है, बाकी आपको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं, देखते हैं आपको मंदिर का ऊपर हिस्सा दिख रहा होगा, यहां से कुछ दूरी पर है, देखिए काफ़ी दूर से आए हम चलते चलते जंगल के रास्ते, तो फाइनली पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है, और यहाँ आने में जो हमने ट्रैक किया ना उसमें तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं, यहाँ से सारे पहाड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं और हम सबसे ऊपर हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हम आसमान की ऊंचाइयों में हैं, और हाँ शायद हम हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो ऐसी जगह जरूर जाया करो, क्योंकि जो मज़ा यहाँ आने में है ना वो कहीं और नहीं। तो दोस्तों मंदिर घूमने के बाद अब हमें वापस भी जाना था, क्योंकि हमारा ट्रैक काफ़ी लंबा था, क्योंकि आते वक्त तो हमें रास्ता पता नहीं था, लेकिन जाते वक्त हमने यहाँ से पता कर लिया था कि रास्ता कौन सा है। तो इसमें भी हमें 2 घंटे लगने वाले हैं, तो हम चलते हैं अब यहाँ से। तो दोस्तों हम आए थे आज मनसा देवी, तो आपने देखा मनसा देवी मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ये सुखा देवी से हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था, और हमें वहाँ से आने में लगभग 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लगभग यहाँ पर आने में लगा था। तो उसके बाद हमने यहाँ एक्सप्लोर किया, बहुत ही बेहद खूबसूरत यहाँ की जो मंदिर है और यहाँ का एनवायरनमेंट है बहुत ही बेहद खूबसूरत है। अगर आपको कभी मौका लगता है तो आप भी यहाँ ज़रूर आइए। तो आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों मंदिर आने के बाद हमने जंगल में खाना भी खाया, क्योंकि हम अपने साथ अपना खाना लेके भी गए थे, क्योंकि हमें पता था हमारा ट्रैक काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे। लेकिन अगर आप कभी ऐसे जगह के लिए ट्रैक करें तो अपने साथ अपने खाने पीने का सामान ज़रूर लेके जाएं। तो दोस्तों जहां हमने सुबह गाड़ी पार्क की थी वहां हम पहुंच चुके हैं, और विजय भाई और सोनू भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मनसा देवी से आने के बाद हम कुकुचिना गए, और उसके बाद हम वापस सुखा देवी आए जहां हमने अपनी गाड़ियां पार्क की थी, और उसके बाद हम वापस चले गए दुनागिरी होते हुए द्वाराहाट को। तो इस व्लॉग में इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आपने बहुत ही इन्जॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।